शुरू करते हैं याद नहीं था भाई लाने का दम ले देखा है तुम्हारे बम का कमाल भी देखा अब मेरा बम का कमाल देखो अरे सोचो क्या एक एक करके हमने इतना बम फोड़ा हाँ? तो इतना मजा आया अगर सारे बम को एक साथ फोड़ा जाए तो क्या होगा याद नहीं था भाई याद नहीं था तो अपने बम तुम अपने बम तो ये मेरा बम भाई मुझको बहुत डर लग रहा है अब सारे बम को कंबाइन कर देते हैं छोड़ देते हैं डीटीएल है डीटीएल देख रहे भाई अच्छा से हाथ न जले डीटीएल है मच्छी को दो डीटीएल है असल डीटीएल है हां हेलो रुक जाओ बंद करो ये आतिशबाजी क्या तुम लोगों को ज्ञान नहीं है अब लोगों को तो ज्ञान है लगता है मास्टर जी को ही ज्ञान नहीं है कि आज दिवाली है दिवाली बच्चों आज दिवाली है मुझे पता है और इस बात का मुझे ज्ञान भी है लेकिन मैं इस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं मास्टर जी हाँ, बताइए तो ध्यान से सुनो सुनाइए लोग जो ये आतिशबाजी कर रहे हो हाँ? मतलब बम पटाखे जो छोड़ रहे हो इसके कई दुष्परिणाम होते हैं भयानक दुष्परिणाम इस आतिशबाजी के कारण से वातावरण में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक फैल जाती है जो कि कई बीमारियों जैसे टीवी दमा और मस्तिष्क रोग को जन्म देता है इतना ही नहीं इस आतिशबाजी की वजह से किसी भी इंसान की कान का चदरा फट सकता है
वो बहरा हो सकता नहीं, 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 नहीं। किसी भी शिशु का मतलब छोटा बच्चा का जान भी जा सकता है। अगर कोई महिला गर्भवती है, उसके गर्भ में कोई शिशु पड़ रहा है, तो शिशु का दिल का धड़कन भी बंद हो सकता है। बम पटाखों के माहौल में बच्चों की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। कोरोना ने तो कई लोगों की जान ले ली और कई बड़े बुजुर्गों की जिनकी जान बची है उनका हृदय और मस्तिष्क कमजोर हो चुका है। अगर उन्हें इस तरह का आतिशबाजी का माहौल दोगे, वातावरण दोगे, तो क्या उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी? क्या वो बच पाएंगे? अरे इसका प्रभाव दुष्प्रभाव पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। किसी भी सरकारी संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, पुस्तकालय के इर्द गिर्द 100 मीटर के दायरे में बम पटाखों की आतिशबाजी करना दंडनीय अपराध होता है। इसके लिए कानून से आप लोगों को सजा भी हो सकती है। मास्टर जी अच्छा ये बताओ, अब समझ में आया कि हम किस ज्ञान की बात कर रहे थे? सब समझ में आ गया कि आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। दीपावली दीपों का पर्व, दीप जलाए, जान है तो जहान है, याद रखना। अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं कब? जब हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। बम पटाखा छोड़ लेते